सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। आपां 12वीं जमात की किताब साहित बोध शुरू की सी। अज आपां इस किताब का आखिरी पाठ कर रहे हैं। रस रस मानण वाला व्यक्ति डैश हुंदा है, उसनूं कहा जाता है रसक जां रसिया कहा जाता। डैश भाव रस की बुनियाद हन जो स्थाई भाव हुंदे आ। रस का स्थाई भाव कोई ना कोई हुंदा, इह स्थाई भाव ही रस की बुनियाद आ, उसकी नींह आ। डैश नूं रसां दा राजा कहा जाता है। शिंगार रस, शिंगार रस का स्थाई भाव आपां करदे आ प्रेम प्रीत, ते इह रस आ जिहड़ा प्रमुख रस आ सारे रसां दे विच, इस नूं कहा जाता राजा। क्रोध दे विच मनुख दा विवेक, उसकी बुद्धि दिमाग डैश हुंदा, सुन हो जाता। यह भी रस दे नाल संबंधित ही आ। सत्र एक तां हुंदा वीर रस ते एक हुंदा रौदर रस, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, भुलेखा पै जाता दोनों का। पर जिहड़ा रौदर रस आ उहदे विच हुंदा क्रोध गुस्सा, जिथे वह बंदे का दिमाग नहीं कम करता। पर जिहड़ा वीर रस आ उहदे विच उत्साह पैदा हुंदा, बंदे विच क्रोध नहीं पैदा हुंदा। जिवें आपां चंडी दी वार दे विच करदे आ, वीर रस दीआं आपां नूं उदाहरणां मिलदीआं, वह उत्साह पैदा करदीआं बंदे दे विच लड़न दे लई। अगे है भयानक रस का स्थाई भाव डैश है। ये तुसीं जाणदे हो कि भय डर ये भयानक रस दे स्थाई भाव है। विभाव दीआं किस्मां दे नाम दसो। जिहड़े विभाव है, विभाव दो तरह के होंदे आ, अलंबन ते उदीपन। अलंबन कोई हुंदा आसरा जां कोई सहारा, ते जिहड़ा ये उदीपन है, उदीपन उत्पन्न दे नाल मिलदा जुलदा शब्द है। उत्पन्न करना किसी दे किसी नूं पड़काउणा जां किसी नूं उत्तेजित कर देना, दो तरह के विभाव है। रस नौ तरह के होंदे आ। करुणा रस का जिहड़ा स्थाई भाव है ये शोक है। तो चंडी दी वार किहड़े रस का उत्तम नमूना पेश करती है, वीर रस का। स्थाई भाव जागण तो पिछों जिहड़ा स्थाई भाव रस का पैदा हो जाता, उस तो बाद जिहड़ियां वख वख विभिन्न चेष्टावां हुंदियां उन्हां नूं की कहिंदे आ, उन्हां नूं कहिंदे आ अनुभव। ये हुंदे अनुभव। अगे कुछ गल्लां आपां नोट कीतियां। सब तो पहला तां अज आखां वार शाह नूं अमृता प्रीतम की जिहड़ी ये कविता, इस दे विच करुणा रस है। कई बार पुछ लिया जांदा रस सिद्धांत दे जिहड़े बानी आ, रस सिद्धांत दे बानी हन भरत मुनि। पर भरत मुनि ने जिहड़ा ये शांत रस है इहनूं रसां दे विच नहीं गिणिया। उस तो बाद एक आचार्या होए सी विश्वनाथ, उन्होंने शांत रस नूं पूरी पूरी मानता दित्ती है। बानी सीगे भरत मुनि, पर इन्होंने शांत रस नूं गिनती रसां दी गिनती विच नहीं रखिया सी। आचार्या विश्वनाथ ने शांत रस नूं गिनती विच रखिया। रस नौ हुंदे आ, इह तुसीं जाणदे हो। पर कई वारी ज़्यादा तो यही सवाल पूछा जाता रस किन्ने तरह के होंदे हन, पर हो सकदा अगे कितें पुछ लिया जाए स्थाई भाव किन्ने तरह के होंदे आ। फिर हो सकदा कुछ विद्यार्थियों नूं भुलेखा पै जाए जां गलती लग जाए। रसां दे स्थाई भाव भी अगे नौ हुंदे आ, इस चीज़ नूं ध्यान विच रखना। विभाव आपां कीते आ अलंबन ते उदीपन दो तरह के। अगली सत्र आ जो इस नूं समझना अलंबन ते उदीपन, इन्हां तों अगे भाव पैदा हुंदे आ। अलंबन ते उदीपन तों अगे भाव पैदा हुंदे आ। भाव किस तरह के पैदा होए आ, बंदा गुस्से विच आया, हासे विच आ गया, किस तरह हो गया, हो वो आपां नूं पता लगदा हाव भाव तों, उसदे शरीर नूं देख के, उस दीआं हरकतां नूं देख के, उसकी बोली नूं देख के, जां उसकी स्थिति नूं देख के। ये हरकतां नूं देख के पता लगता। तो हरकतां नूं कहिंदे चार तरीकियां दीआं हरकतां हुंदियां, चार तरह का मन्निया जांदा। एक तां हुंदी आ कायक, उहदी जिहड़ी दिख आ उहदा शरीर आ उहदे विच फर्क आ जाएगा, हत्थां पैरां दे विच हरकतां होर तरह दीआं हो जाणगीआं, जिस तरह का उहदे विच स्थाई भाव पैदा होया होवेगा, गुस्सा होया होवेगा जां क्रोध पैदा होया होवेगा, ते जां फिर हासा खुशी महसूस होई होवेगी, तां उहदी काया तों पता लगदे आ हाव भाव। वाचक उहदी बोली हो जाएगी, गुस्से वाली क्रोध विच होवेगी जां होर तरह दी उहदी बोली तों पता लगेगा। एक हुंदा आहार आ, उहदे वस्त्र उहदे पहरावे तों पता लगेगा किस तरह का, ठीक है, लड़ाई दे मैदान लई उह क्रोध दे विच आ जां उहदे कोल कोई हथियार वगैरह। ते एक हुंदा सात्विक, सात्विक हुंदी आ बंदे दी मानसिक स्थिति, कुछ प्रभाव स्थाई भाव मन दे उपर भी पैंदे आ, ते उहदे नाल भी अंदाजा हो जाता सामने तों। सात्विक हुंदे आ मानसिक भाव। अगे है रौदर रस का स्थाई भाव क्रोध है, ते वीर रस का स्थाई भाव जिहड़ा उत्साह है, दोनों का भुलेखा पै जांदा।
पर जिहड़ा रौद्र रस है इत्थे क्रोध हुंदा, जिथे इंसान दा जिहड़ा विवेक आ सुन हो जांदा, दिमाग कम नहीं करदा। ते वीर रस आ जिहड़ा ये उत्साह पैदा करता लड़न दे लई। अगे है वीवतस रस दा जिहड़ा स्थाई भाव है किरना, ये तुसीं याद रखना।